नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 24 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 सितंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों, आपने ज्यामिति बॉक्स जरूर देखे होंगे। आइए ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उसका प्रयोग देखें। ये जो होता है इसका नाम होता है रूलर। रूलर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? रूलर में एक किनारे पर देखिए, एक किनारे पर ये जो नजदीक है ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर होता है और इधर होता है इंच, जिसमें ज्यादा गैप होता है। तो एक स्केल में 5 इंच और 12 सेंटीमीटर तक है, तो दूसरे किनारे पर इंच के चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई ज्ञात करने में करते हैं। दूसरा है ये प्रकार, जिसमें इसके दो सिरे हैं। एक सिरा जिसमें ये यहाँ पे खाली होता है, उसमें हम नुकीले पेंसिल को इसमें लगा करके टाइट करते। दूसरा सिरा नुकीला होता है। प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल रखी होती है। इसका प्रयोग हम चाप या वृत्त खींचने में करते हैं। तीसरा है डिवाइडर, जिसके दोनों सिरे इसी की तरह होता है, प्रकार की तरह, लेकिन दोनों सिरे इसमें नुकीले होते हैं। यहाँ पे पेंसिल लगाने का की व्यवस्था नहीं होती। डिवाइडर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग लंबाई की तुलना करने के लिए होता है। अब ये है सेट स्क्वायर। यहाँ पे दो तरह के ट्रायंगल बने होंगे, इसमें जितनी लंबाई इधर है इतनी ही लंबाई इधर है, और इसमें इसका डबल है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है और यहाँ पे 60 डिग्री का होता है, और इसमें दोनों बराबर है तो ये 45 और ये भी 45, और जहाँ पे दोनों साइड नंबरिंग की होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र है जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में किया जाता है। अब यह है यहाँ पे चांदा या कोण मापक भी कहते हैं। इसमें दोनों साइड से लेकर इधर से शुरू करेंगे तो इधर से लेकर के 180 होता है, और यदि इधर से शुरू करेंगे तो भी 180 होता है। इसका प्रयोग या अर्धचंद्र अर्धवृत्ताकार यंत्र है जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री लिखा होता है। इनका प्रयोग कोण को मापने और खींचने में किया जाता है। अब ये तो वर्कशीट हो गया। अब कह रहा है इसमें आप देखिए, इस आकृति में कौन कौन से उपकरण का यूज किया गया है, तो या इसका नाम क्या है आप जानते हैं। यहाँ पे लिखे रूलर, ये हो गया एक रूलर उपकरण में, और क्या दिखा आपको, ये दिखा डिवाइडर, तो लिखे डिवाइडर। और क्या दिखा आपको, यहाँ पे है चांदा, तो लिखे चांदा। उसके बाद क्या दिखा आपको, ये पेंसिल और ये सेट स्क्वायर, तो लिखे पेंसिल और सेट स्क्वायर। और इधर था दो ट्रायंगल था, तो सेट ठीक है स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कौन कौन सी आकृतियां यहां पे दिख रही है आपको। तो ये तो हो गया, ये वर्ग है, ये आयत है, तो लिखते जाए जो जो दिख रहा है, वर्ग आयत। और क्या दिखा आपको, यहाँ पे ये वृत्त है
और ये त्रिभुज है, तो लिखिए वृत्त त्रिभुज और क्या दिखा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। यहाँ भी है समलंब चतुर्भुज, तो सीधे चतुर्भुज लिख दीजिए तो ये आ जाएगा उसमें, या समांतर भी है समलंब भी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह की जो है समलंब चतुर्भुज है, तो आप लिख सकते हैं चतुर्भुज लिख दीजिए, इसमें कई प्रकार है, समलंब भी है समलंब भी है और समांतर भी है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।